लड़की या ये तीन चीज़ें चाहती है लड़कों से। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लड़कों को ये ज़्यादातर सवाल होता है कि लड़कियां हमसे क्या चाहती है ताकि देने में आसानी हो। लड़कियों को भी लगता है कि चाहना क्या चाहिए। तो आज का वीडियो दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपको पता चलेगा कि कैसे क्या चाहते होती है, क्या होता है, कौन सी वो तीन चीज़ें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है गोद में उठाकर आई लव यू कहने वाला। लड़की ऐसा दिमाग में रखती है, चाहती है कि लड़का उसे गोद में उठाए और आई लव यू कहे। तो कई ऐसे मौक़ों पर लड़कियां ऐसा चाहेगी। और लड़कियां ऐसा नहीं कि जो उनका साथी है और साथी हो गया उसके बाद वो पहले से ही ऐसे ख्वाब रखती है, ऐसे ही उनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा है जो ज़्यादा उनकी केयर करें। लड़कियां अक्सर एक लड़के में उनका फादर यानी कि उनका बाप देखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उनके फादर की तरह आप उनकी सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, उनकी केयर करें, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो या कैसे भी, लेकिन उनकी केयर करें। अगर आप ये केयर करने में 100% उन पे खरे उतरते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्यार करने लगती है, आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगती है और लड़कियाँ ये चाहती हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। उनको कोई छोटी चीज़ हुई हो, बड़ी कुछ भी हुआ हो, उनकी केयर करना अगर आप करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि आप उनकी केयर करें। तीसरा है रिस्पेक्ट। अब हम समझते हैं कि रिस्पेक्ट सिर्फ लड़के ही चाहते हैं या उनको ही देनी चाहिए, ऐसा नहीं। हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, तो हर लड़की भी रिस्पेक्ट चाहती है। हर लड़की चाहती है कि आप एक अलग मान सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखें। अगर आप इस तरह से देखते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो आपसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं और वो चीज़ें आपने दे दी। तो ये तीनों चीज़ें आपको देनी है। ये लड़कियाँ चाहती ही चाहती है, तीनों दे दिया फिर कुछ नहीं देंगे तो भी चलेगा, वो आपको प्यार करते ही रहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये तीन चीज़ें देते हैं या नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर, लिव बेटर।